बड़ी अभी भी बहुत सारे लोगों ने जो कोड लिखा है उसमें ना ये हम कोड स्टार्ट करते हैं लेकिन वो SRI प्लस वन से स्टार्ट होता है। SRI प्लस वन नहीं हो सकता, SRI माइनस वन होगा। तो प्लस वन का मतलब यहाँ स्टार्ट होगा तो और पीछे का, तो एक्चुअली SRI माइनस वन होना चाहिए यानी यहाँ। दूसरी बात ये उन्होंने कहा जी ERI माइनस वन करते हैं, ERI माइनस वन करोगे तो वो यहाँ हो जाएगा, तो क्या आ जाए ERI प्लस वन। और दूसरी बात है, एक तो तीसरी बात है इंपॉर्टेंट है, वो लेके कह रहा है लूप यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये रो ज्यादा है, ये रो ज्यादा है, ये वाली नीचे वाली रो ज्यादा है, तो जो लूप होगा वो डिक्रीमेंटिंग लूप होगा। ओके और यहाँ पर आएगा आर माइनस, और यहाँ पर कोई बात नहीं। अच्छा एक बात सुने, ये आपने दो रूप बनाए हैं है ना, इसके लिए अलग रूप लगाया है, ठीक है हमें लिखना नहीं है आगे पार्ट ऑफ याद ही जगह ये करना है अर्जिंग बात। SRI माइनस वन से शुरू किया और R इज ग्रेटर देन ERI और R जो कर दिया माइनस टू माइनस, ठीक है अंदर बिल्कुल वैसे ही चेक करा, ठीक है और ऑफ कोर्स इसके रूप के बाहर रिटर्न ट्रू लिखा, ठीक है बाय द वे ये दोनों रिटर्न ट्रू जो है वो इन दोनों इसके बाहर आते हैं, ये लाइन जो भी है ये लाइन जो भी है तो इसको तुम फर्स्ट से एंड में ले सकते हो, ठीक है वो चलेगा। सर ये जो आपने काम किया है उसके लिए दो रूप है ना, अब मैं इसको आगे एक बड़ी पॉइंट बात और उसके बाद ये जो हमने दो अलग अलग रूप वाला काम किया था इसको हम एक रूप में कन्वर्ट करें, ठीक है ये मैं देखता हूँ सही। अच्छा बात सुन, इस तस्वीर को गौर से देख, ये तस्वीर मैंने बताई है ना, इस तस्वीर को गौर से अहमद बेटा हमने यहां से शुरू किया, ये प्लीज अब ये सोल्यूशन है जो कि मैं काम में किसी ने भी दिया चले जी, यहां से हम शुरू हुए और हमने यहां तक किया, ठीक है या हमने यहां से शुरू किया और यहां तक, ठीक है तो इन दोनों सिनेरियो में, इन दोनों सिनेरियो में हमने चेक क्या करना, यहां से लेकर यहां एंड को यहां से भी इग्नोर किया और यहां से भी इग्नोर किया, एक्चुअली यहां भी यहां से चला और यहाँ इन दोनों के दोनों की सिनेरियोस में मैंने जो एक्चुअल चीज चेक करनी है वो यहां से लेकर यहां तक, ये समझ में आएगा। तो ऑल आई नीड टू डू इज अगर मैं ये दोनों लूप को एक लूप में कन्वर्ट कर सकता हूं अगर मैं पहले ये आइडेंटिफाई कर लूं कि मैंने कहां से लेकर कहां तक चेक करना है, मैं सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर लूं कि मैंने कहां से लेकर कहां तक चेक करना, बस उसकी दरबार होगा। अगर इन दोनों सिनेरियोस में इससे भी आर एस ये होगा और आर ही ये होगा, अगर मैं ये दोनों के दोनों में ये सिनेरियो में ये आइडेंटिफाई कर लूं कि मेरा स्टार्ट यहां से होना है और एंड यहां पर होना है
तो क्या करना पड़ेगा, एक लूप बनाऊंगा मैं आर एस से लेकर आर जी। ये समझ में आएगा कि इन दोनों सिनेरियोस में मैं एक लूप में कन्वर्ट कर सकता हूं, अगर मैं सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर लूं कि मैंने कहां से शुरू करना है और कहां तक कैच करना है। ये समझ में आई? तो एक्चुअली मैं अपना प्ले करके दिखाता हूं, ये मेरा यही वाला प्रोग्राम। मैं एक और चीज लिखता हूं, नाम है इज नॉर्थ साउथ पाथ क्लियर, और यहां पर बोर्ड पास होता है ठीक है, और यहां पर एस आर आई एस सी आई ई आर आई और ई सी आई पास ठीक है। अब देखिए हम कैसे करते हैं, बूलियन डिपेंड टाइप है, और अब देखिए हम कैसे करते हैं। मैं सबसे पहले आर एस इंटीजर आर एस बनाता हूं और आर ई बनाता हूं ठीक है। ये मैंने दो वेरिएबल आर एस और आर ई ठीक है, इनको मैं वैल्यू देखे कैसे सेट करता हूं। यहां पर मैं लगाता हूं एक इफ, आई डोंट नो वो इफ क्या होगा, एक्चुअली मैं इफ लगाना चाहता हूं ये बस ठीक है, और इसके एल्स में मैं लगाना चाहता हूं ये ठीक है। यानी यहां पर मैं इसको इफ एल्स में दो में कन्वर्ट करता हूं, और यहां पर मैं आइडेंटिफाई क्या करता हूं, यहां पर मैं सिर्फ दो वैल्यू आइडेंटिफाई करता हूं कि आर एस की वैल्यू क्या है और आर ई की वैल्यू क्या है, और इसके एल्स केस में भी मैं एग्जैक्टली ये करता हूं कि आर एस की वैल्यू आइडेंटिफाई करता हूं और आर ई की वैल्यू हो सकता है ये बस में, और इससे नीचे पता है करूंगा, मैंने दो अलग अलग लूप के अंदर इसको एक लूप से कन्वर्ट किया, कैसे, एक फॉर लूप आर इज इक्वल टू आर एस से स्टार्ट होगा और आर एस लेस देन और इक्वल टू आर ई तक जाएगा, आर प्लस प्लस, हां जी, इफ बी आर एस सी आई नॉट इक्वल टू डैश रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज मुझे बाहर लूप में आएगा तो क्या करेगा, रिटर्न लूप बताओ जी। इसमें देखिए आपने दो अलग अलग लूप लिखे, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एक लूप लिखा, मैं सिर्फ आइडेंटिफाई करता हूं कि मैंने रीजन कौन सा चेक करना है, उस रीजन को चाहे मैं ऐसे चेक करूं चाहे मैं ऐसे चेक करूं, इट डजंट मैटर। सो ऑल आई नीड टू आइडेंटिफाई इज कि मैंने रीजन कौन सा फिगर आउट, वो मैं ऐसा निकालता हूं, यहां में बताए क्या इफ लगेगा इसका, चेक करने का ऊपर से नीचे आने का, ऊपर से नीचे आने का चेक क्या होगा, अगर ये सिनेरियो तो आर एस क्या हुआ, एस आर आई प्लस और ई आर आई, आर ई क्या हुआ, ओके, व्हाट अबाउट एस, ये नीचे से ऊपर आ रहा है, एस आर आई माइनस वाला, यहां से लेकर यहां तक आ रहे हो तो इसका मतलब है यहां से ऊपर जा रहे हो ना, तो ये है इसका एस आर आई और ये है इसका ई आर आई, तो एस आर एस क्या होना चाहिए, यहां से स्टार्ट होना है ई आर आई माइनस वन, ई आर आई माइनस वन दोनों में चेक हम एक ही, लेकिन हम आर एस और आर ई की लेवल निकाल वो क्या हुआ ई आर आई प्लस और आर ई क्या होगा एस आर आई सर चाहे वो नीचे चले जाए एस आर आई प्लस वन होगा एस आर आई सर चाहे वो नीचे से ऊपर चले उसमें लेकिन एक ही तरह से उसे ठीक है। देखिए बात सुनिए, बात सुनिए, मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम को ये जो मैंने अपने प्रोग्राम वाले प्रोग्राम लिखा था ये दो दफा लूप चला, नहीं तो एक्चुअली जब तक हमसे एक ही लूप था लेकिन ये मैंने अलग कोड लिखा था, ये मैंने अलग कोड लिखा था। अब मैं जो मेरा लूप है वो एक ही दफा चलेगा, लेकिन मैं पहले रीजन आइडेंटिफाई करता हूँ किस रीजन में मैं चेक करना चाहता हूँ, और वो मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरा ऊपर
तो मैं ये लिखूंगा, अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो ये मेरा आर एस होगा, ऊपर से नीचे आने का ये मेरा आर एस होगा, देखिए ये मेरा एस आर था और ये मेरा ई आर था, तो आर एस क्या होगा, एस आर आई प्लस वन और ई आर आई क्या होगा, ई आर आई माइनस वन, और अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो मेरा आर एस क्या होगा, ई आर आई माइनस वन प्लस वन और आर ई क्या होगा, एस आर आई माइनस वन, ओके। और उसके बाद लूप लगा रहे हैं, मैं एग्जैक्टली यहां से चिंता करें कि आर एस से वो शुरू करें और लेस देन और इक्वल टू आर ई, बस मैं I would suggest, please, आपको इस तरह भी implementation करनी चाहिए और इस तरह भी implementation करनी चाहिए, क्यों? मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अगर आपने, अगर आप सिर्फ इस तरह implementation करेंगे तो आपको कोई evaluation नहीं कहेंगे इसको, उस पर convert करो, ठीक है? Even एक्चुअल क्विज़ प्लीज ये